हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आगे फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज हम लोग कमाल करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ गाइस, आज गणेश उत्सव है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं तो भाई रेडी सेडी होके रेडी हूँ, लेकिन क्या बताऊँ आप सभी लोगों को, फ्रैंकी भैया को मैं दिखाता हूँ। आ जाओ आप सभी लोग। यार पता नहीं क्या कर रही हैं, इतना कौन सोता है। आज हम लोगों का गणेश चतुर्थी है, आज गणपति बप्पा मोरिया आने वाले हैं हमारे घर में। लेकिन अरे फ्रैंकी भैया उठो ना यार, क्या कर रहे हो। अबे सिंचन क्या हो गया। अरे यार आज कौन सा दिन है, आज भूल गए क्या। अबे आज कौन सा दिन है, आज तो भाई साहब ट्यूसडे है। अरे यार वो नहीं, और क्या है। अबे आज भाई 19 तारीख है। अरे नहीं नहीं वो भी नहीं। अबे भाई अब क्या है, मेरे को सोने देना। अरे यार पहले उठो फिर बताऊंगा यार। अबे बताएगा तब उठूंगा। अरे नहीं यार पहले आप उठो फिर मैं बताऊंगा। अबे ऐसा क्या है भाई, आज की भाई इतना उतावला हो रहा है। अरे यार आप भूल गए क्या, जाके कैलेंडर में तो देखो। अबे क्या है भाई इतना, भाई क्यों आप लोग गाइजर बताना है। पता नहीं यार ये क्यों मेरे को उठाया, आराम से मैं सो रहा था। अभी अभी भाई साहब कितना मौसम साफ किया है, और भाई तेरे को भाई क्या ही बोलूं। अरे यार चश्मा पहन के कौन सोता है। अबे वो सब छोड़, आज क्या है वो बता। अरे यार आज गणेश उत्सव है ना। अबे भाई मैं तो भूल ही गया था भाई, आज गणेश उत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी। आज मैंने मूर्ति का ऑर्डर भी दिया है सिंचन। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मूर्ति का ऑर्डर। अबे हाँ यार तेरे को नहीं पता है क्या। अरे यार मेरे को क्या पता है, कुछ नहीं पता। अबे भाई तेरे को मैं बता दूं कि आज मैंने एक मूर्ति का ऑर्डर दिया है भाई, गणेश उत्सव के पंडाल वगैरह भी बनाने हैं ना। अरे यार इसलिए तो मैं आपको उठा रहा था, और आराम से आप सो रहे थे। अबे नहीं यार चल वो सब छोड़ भाई, आज प्लान करना है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और शाम में आज पूजा पाठ करनी है, तो मेरे को बता फटाफट से क्या करना होगा। अरे यार यहाँ पे पंडाल बनाओगे। अबे पंडाल मैं स्विमिंग पूल में बना दूं क्या। अरे यार ये कैसे। अबे पानी के ऊपर पंडाल बना देंगे ना। अरे यार फिर बाहर के लोग कैसे आएंगे घर में। अबे हाँ यार बाहर के लोग घर में फिर कैसे आएंगे, थोड़ी दिक्कत होगी। मैं चल आजा बाहर देखते हैं भाई, बाहर कोई ना कोई बढ़िया वाला रास्ता जरूर निकलेगा भाई। यहाँ पे सिंचन लगा सकते हैं क्या भाई, पंडाल बना सकते हैं। अरे कहाँ पे कहाँ पे। अबे यहाँ पे चौप के घर के सामने, बट यार छोटा छोटा पड़ जा रहा है ना सिंचन। अरे ये तो काफी छोटा है, छोटा ही बोल रहे हो। अबे बहुत छोटा है, चल यार दूसरा ट्राई करते आजा। भाई सिंचन बोल रहा है ये काफी छोटा हो जाएगा। अभी भाई साहब यहाँ पे नहीं यार, अबे यहाँ पे लगा सकते हैं यार। अरे हाँ हाँ। अबे नहीं यार यहाँ पे ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, अगर हम दोनों गमलों को भी हटा देंगे ना तो यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा, कंजस्टेड एरिया है। अरे अब कहाँ पे। अबे चल यार बाहर चलते हैं गाइस, यार बाहर चलते हैं सिंचन। यार यहाँ तो गैराज है, और बाहर लगाएंगे तो ये हम लोगों का रास्ता ही सही नहीं है यार, ये सीधा नहीं है ना। अरे हाँ यार ये थोड़ा कर्व है। अबे हाँ यार हम लोगों का आगे का एरिया थोड़ा कर्व है। एक काम कर सकते हैं भाई सिंचन, हम लोग भाई इस छत के ऊपर पंडाल लगा ले क्या। अरे यार सारे लोग छत पे कैसे जाएंगे। अबे सीढ़ी वीढ़ी लगा देंगे ना। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं। अबे यार यहाँ पे भी लगा सकते हैं वैसे। अरे यार यहाँ पे। अबे हाँ यार यहाँ पे। अरे नहीं यार सुनो सुनो। अबे बता बता कहाँ पे। अरे यार फ्रैंकी भैया मैं आपको एक आइडिया दूँ। अबे हाँ यार। अरे यार ये सारे गैराज का सामान साफ करके इसी में बना लो ना। अबे हाँ यार तू सही बोल रहा है वैसे। अरे हाँ यार वही तो बोल रहा हूँ गाइस। यार वैसे मैं पूरा गैराज का सारा सामान, ये कचड़े वचड़े पड़े हुए, जैसे ये टायर है, पेंट के डब्बे हैं, ये तेल का डब्बा है, और ये पेटी वेटी है ना, ये सारे साफ कर दूंगा ना। और ये भाई कप का बेडशीट पड़ा है, कचड़ा वगैरह है, ये सब साफ कर दूंगा, और ये कारें निकाल दूंगा, तो एक बहुत ही बड़ा हॉल बन जाएगा। अरे हाँ हाँ, और हम लोग रात को शटर को गिरा के सो भी सकते हैं। अबे हाँ यार बढ़िया है, कोई मूर्ति को भाई साहब यानी कि बप्पा यहाँ पे आराम से रहेंगे, और हम लोग भाई आराम से घर में भी सो सकते हैं, या यहीं पे भी सो सकते हैं, है ना। अरे हाँ तो क्या सोच रहे हो। अबे सोचना क्या है, मैंने मूर्ति का ऑर्डर दे दिया है, फिलहाल ये एल्विस यादव की कार बाहर निकालते हैं। अरे यार ये पता चल जाएगा उनको किसी दिन कि आपने उनकी कार चोरी की है। अबे नहीं यार इतना थोड़ी पता चलेगा गाइस। यार ये फिलहाल एल्विस यादव की कार है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, और भाई कहाँ पे पार, यहाँ पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे हाँ यहाँ पे कौन आएगा। अबे हाँ यार दोनों कार पहले निकालते हैं, उसके बाद पूरा गैराज गाइस यार साफ करेंगे, एंड उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो चलो गाइस यार फटाफट से गैराज को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने साफ कर दिया है। अरे कहाँ किया है। अबे दोनों कार को निकाल दिया तो भाई साफ ही किया ना। अरे यार अभी और करना है, सोच क्या रहे हो। अबे हाँ यार अभी, ओ भाई अबे यार यही दिक्कत है यार, हमारे घर में भाई अगर
बप्पा आएंगे और बहुत सारे लोग देखने आएंगे ना, तो भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि ये चलता फिरता रोड है। अरे ये भी सही बात है, क्या करोगे, रोड ब्लॉक। अबे नहीं यार, रोड ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, पुलिस वाले आ जाएंगे तो फिर भाई साहब बप्पा को लाने भी नहीं देंगे। अरे तो क्या करोगे। अबे रुक जा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कुछ लगा दूंगा, जैसे बैरिकेड वगैरह होते हैं ना। अरे हाँ हाँ वही वही। अबे हाँ यार, तो चल फटाफट से पहले मेरा हाथ बटा, सारा का सारा ये कचड़ा है ना इसको साफ करना है। अरे ठीक है आप पहले स्टार्ट करो। ठीक है, मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। तो चलो यार, सारा कचड़ा मैंने फेंक दिया। अरे यार शटर तो खोलो। अबे शटर क्या खोलो, इसी में रह जाता है। तो भाई पूरा एरिया मैंने क्लीन कर दिया है, ये बेडशीट मैंने छोड़ दी है क्योंकि भाई साहब अगर हम लोग इस वाले गैराज के अंदर रात को सोएंगे तो इसी के ऊपर भाई साहब एक बहुत ही बढ़िया वाला बेडशीट लगा के भाई सो जाएंगे। तो और भाई साहब अभी हम लोगों ने एरिया साफ कर दिया है, अभी क्या करना है सिंचन। अरे यार मेरे को क्या पता। अबे यार सजावट के सामान मंगाने हैं पंडाल बनाने के लिए, चुनरी वगैरह और बैलून वगैरह। तू बैलून फुला देना पूरा, मैं सारा काम कर दूंगा। अरे हाँ यार, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, जो 5 साल का बच्चा हूँ ना। अबे हाँ यार, तू 5 साल का बच्चा ये तू एक्सपर्ट है, तो तू बैलून वगैरह लगा देना, वैसे मैं पंडाल की सारा तैयारी कर देता हूँ। रुक जा, मैं फटाफट से एक बंदे को कॉल लगाता हूँ, वो आएगा और सारा का सारा सामान लेके आ जाएगा। अरे ठीक है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यहीं पे हूँ। अबे ठीक है रुक जा, मैं फटाफट से एक बंदे को कॉल लगाता हूँ, वो सारा सामान लेके आ जाएगा। ठीक है चल, मैं उसको लगा लेता हूँ फटाफट से और वो सारा सामान लेके आएगा और उसके बाद हम लोग पूरा पंडाल रेडी करेंगे। तो भाई साहब इतना बड़ा ट्रक आया है, इसमें मैंने जितने भी सारे सामान मंगाए थे ना भाई, वो सारे के सारे इस वाले ट्रक में आ गए। अरे यार यहाँ पे ट्रक खड़े किए हो, कोई आएगा पुलिस वाला तो मारेगा। अबे ऐसा थोड़ी है यार, थोड़ी देर के लिए तो हो ही सकता है। भाई साहब मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह मंगाए हैं और भाई साहब कुछ भाई बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मंगाई है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बंदा भाई अभी मिला रहा है कि ये क्या क्या लेके आया है। तो भाई साहब सारा का सारा सामान है ना उसमें, जो जो आपने लेके आया, मैंने जो बोला था, ओए हो यार सारा सारा सामान लेके मैंने आ गया है, आप फटाफट से अनलोड करो और अपनी काम तमाम कर दो। अबे काम तमाम नहीं करना यार, क्या बोल रहा है। अरे वही वही जो करना है कर लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप कर लोगे सबका सब। अबे हाँ यार तू जा यार। तो गाइस यार मैंने सारा सामान फिलहाल मंगा दिया, चलो एक काम करते हैं फटाफट से यार पंडाल वंडाल बना लेते हैं, उसके बाद रेडी हो जाएंगे, तब तक सिंचन बैलून वगैरह भी लगा देगा। तो चलो यार फटाफट से पंडाल बना लेते हैं। तो गाइस यार फाइनली मैंने जो एक्सीडेंट हो रहे थे उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें लगा दी है, इसको बोलते हैं पता नहीं क्या, आप लोग कॉमेंट में बताना। और भाई साहब यहाँ से कोई भी बंदा बाहर जाएगा और यहाँ से भाई कोई भी कार अंदर नहीं जा सकती, देखो कार आराम से जा रही है ना सिंचन। अरे हाँ पंडाल भी मस्त बना दिया आपने। अबे हाँ यार रुक जा, सारे लोगों को पंडाल भी दिखा दूंगा। फिलहाल ये सारी चीजें सेफ्टी की चीजें है भाई, ये ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, भाई आराम से इधर से तो कार निकल ही जाएगी इतने में। अरे हाँ यार सही बात है। अबे हाँ यार, तो गाइस यार ये रहा हमारा पंडाल, ये देख सकते हो ऊपर लिख दिया है हम लोगों ने गणेश उत्सव। और खास बात ये है ना इस वाले पंडाल की, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस यार, ये देखो मैं इधर आऊंगा ना तो वो शटर गिर जाएगा नीचे, जिससे गाइस यार रात को हम लोग भाई सोएंगे ना तो भाई उसको हम लोग लॉक कर सकते हैं। अरे यार ऐसे क्यों करोगे, आप बाहर जाओगे तो ये शटर गिर जाएगा। अबे नहीं यार वो भाई मैं कर दूंगा, इसमें मैंने अभी सेंसर वगैरह लगा दिए, वो मैं फिक्स कर दूंगा, तू रहेगा तो ओपन भी होगा। तो चलो गाइस यार फिलहाल यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का लगाया, यहाँ पे छोटा सा टेबल, यहाँ पे गणपति विराजमान हो जाएंगे, जो अभी मैं और सिंचन जाएंगे मूर्ति लाने के लिए। एंड गाइस यार ये सारी चीज़ें देखो भाई ऊपर का, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये सारी चीज़ें मैंने की है। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ हो गई, और भाई एक चीज़ ये वाली चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। सिंचन अब तेरे को बैलून लगाए हैं, तू भाई अपने हिसाब से बैलून लगा देना, ठीक है, तब तक मैं फटाफट से जा रहा हूँ। अरे ठीक है यार आप टेंशन ना लो, मैं बहुत ही अच्छे से बैलून लगा दूंगा। अबे हाँ यार पूरा पैकेट लगा देना, करीब 50 पीस है ना उसमें। अरे ठीक है पूरा लगा दूंगा, आप टेंशन ना लो। अबे हाँ यार, बट यार एक काम करना था मेरे को, बट ये देखना था क्योंकि रात के भाई यहाँ पे मैं कार खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे कार खड़ी रहेगी तो भाई कोई चोरी लेके जा सकता है। भाई यहाँ पे हम लोग भाई पहले देख लेते कि ये कार अंदर जा चली जाएगी या भाई चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला तो था। अबे हाँ यार तू सही बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, कार को हम लोग अंदर भाई साहब उस वाले रेल जैसी जो बनाई है ना मैंने, उसके अंदर लगा सकते हैं। तो सिंचन तू एक काम कर, फटाफट से पूरा का पूरा बैलून वगैरह लगा दे, तब तक मैं नहा के रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद फटाफट से जाएंगे और भाई सारा का सारा सामान लेके आएंगे, जैसे कि पूजा की थाली वगैरह और फ्रूट्स वगैरह, एंड उसके बाद और कुछ। अरे हाँ यार और कुछ। अबे यार अपना गणपति बप्पा को भी तो लाना है, तू भूल गया।
अरे नहीं यार, मैं कहाँ पे भूला हूँ, आप जाओ लेके आओ उनको। अबे तू भी चलेगा, फिलहाल तू भाई सारे बैलून वगैरह लगा ले, तब मैं नहा लूंगा और उसके बाद भाई हम दोनों चलेंगे, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है, जाओ आप नहा के आ जाओ तब तक। ठीक है भाई, तू नहा ले तो गाइस, भाई मैं नहाऊंगा, तू काम कर ले भाई। चलो गाइस फटाफट से पहले मैं नहा लेता हूँ, सिंचन को मैंने काम पे लगा दिया, वो सारा का सारा काम कर देगा फिलहाल, और भाई कुछ करना ज़्यादा नहीं है, फटाफट से पानी में छलांग लगाते। ओह भाई ठंडी ठंडी पानी है, मज़ा आ गया नहा के। ओह भाई क्या प्यारा लग रहा है भाई, नहा के मज़ा आ जाता है भाई, मूड फ्रेश हो जाता है ये ठंडे ठंडे पानी से, देख रहे हो भाई कितना बढ़िया है यार। चलो भाई कुछ ज़्यादा ही मैंने नहा लिया, अभी फटाफट से भाई साहब, भाई बॉडी देख रहे हो मेरे की, मेरी बॉडी दिन पे दिन और भाई निखरती जा रही है, मतलब बहुत ही तगड़ी होती जा रही है ना भाई, मज़ा आ गया। ये देखो कितनी खतरनाक बॉडी मैंने बनाई है। चलो भाई साहब फटाफट से पहले कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद मेरे को जाना भी है यार। चलो यार फटाफट से कपड़े निकाल लेता हूँ, कुछ अच्छा पहनूंगा आज। आउटफिट में मेरे पास क्या है ये नहीं यार, कुछ अच्छा बढ़िया देखने को लगे भाई, क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या, ये ब्लैक नहीं यार, ब्लैक नहीं पहनूंगा यार, ये भी ब्लैक ही, ये वाली वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे में। तो चलो यार इसको हम लोग डन करते हैं एंड अब बाहर निकलते हैं। तो चलो भाई साहब कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए, अब सिंचन भाई साहब काम भी कर चुका होगा, मैंने जितने भी सारे बैलून दिए थे ना वो फुला चुका होगा। चल आ गया भाई तू सिंचन। अरे हाँ यार मैंने काम कर दिया, मेरे मुंह दुखने लगे। अबे तू तो बोल रहा था मैं एक्सपर्ट हूँ, जरा देखूँ भाई कैसे क्या किया है तूने। अरे हाँ देख लो यार, बहुत ही बढ़िया किया। अबे ये चौप नजर नहीं आ रहा है, सुबह से अभी दिखा नहीं, कहीं पे गया है क्या? अरे पता नहीं यार, सुबह सुबह कहाँ चला गया। अबे यार वो रहता तो वो भी कुछ हाथ वगैरह बटा देता और हम लोगों की काम और भी आसान हो जाती। तो चलो गाइस यार देखते। ओ भाई सिंचन, भाई तूने तो बहुत तगड़ा वाला काम किया, पूरा पूरा बैलून वगैरह लगा दिया। अरे हाँ यार देखो, अच्छा लग रहा है ना? अबे हाँ यार काफी बढ़िया लग रहा है यार, गुड सिंचन गुड, तूने बहुत बढ़िया काम किया। अरे किया ना बहुत अच्छा। अबे हाँ यार, अब भाई क्या करना है भाई, सारा का सारा बैलून वगैरह हो ही गया, अब सिर्फ गणपति बप्पा को लाना है और कुछ फल वगैरह लगाने, और भाई कुछ लाना है क्या? अरे नहीं यार सब कुछ है। गाइस यार दूर से भी काफी बढ़िया लग रहा है भाई, अभी शटर क्लोज ही कर देते हैं, बाद में भाई उसको हटा ही देंगे, और भाई देखो पूरा का पूरा बढ़िया लग रहा है ना सिंचन। अरे हाँ हाँ प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अबे हाँ यार तूने बहुत ही बढ़िया वाला काम किया है भाई, ये सारा चीज करके तो मेरे को काफी बढ़िया लगा। अभी चलते हैं गाइस यार फटाफट से गणपति बप्पा को लाने, इसी बात पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वाली कौन सी कार से चले सिंचन? अरे यार कौन से चलोगे? अबे चले आप पोर्से से चलते हैं, गणपति बप्पा को भी पोर्से पे बैठा देंगे ना, अपनी चमचमाती लगने लगेगी। आजा। अरे यार आ रहा हूँ, पहले कहाँ जाएंगे? अबे पहले पहले फल लाने जाए या गणपति बप्पा को लाने जाए? अरे चलो पहले फल ही ले लेते हैं ना। अबे नहीं यार भाई, चल यार पहले फल ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोल देंगे वो घर पे पहुँचा देगा, है ना? अरे हाँ ये भी सही बात है, हम लोगों को लाना नहीं पड़ेगा। अबे हाँ यार चलो गाइस यार चलते हैं फटाफट से, हम लोगों को लाना नहीं पड़ेगा, वो हम लोगों के घर पे पहुंचा भी देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। तो चलो गाइस यार हम लोग फटाफट से पहुंचते हैं। वैसे सिंचन कौन से क्या क्या लेंगे? अरे यार 5-5 किलो सब ले लेना। अबे 5-5 किलो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? अरे यार कुछ ज्यादा नहीं होगा। अबे यार भाई आगे से बंदे आ रहे हैं भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? अरे यार इतने सारे बंदे आएंगे, मेरे दोस्त आपके दोस्त। अबे हाँ यार सारे को प्रसाद तो देना बनता है। गाइस यार आप भी आ जाना हमारे घर पे, आप लोगों को भी दे दूंगा। तो भाई यहाँ पे सारे हरे हरे फल मिलते हैं, देखो यार बहुत ही बढ़िया फल मिलता है। तो चलो इससे बात करते हैं कि भाई कैसे क्या दे रहा है। हेलो भाई साहब कैसे हो? अरे मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं भी बढ़िया हूँ, आप मेरे को फल दे देना। अरे कितना चाहिए, बाहर लो के बात करो ना। अबे भाई ऐसे क्यों कर रहा है भाई? भाई देख तेरे को मैं मार दूंगा भाई। अरे ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, ले जाओ फल ले जाओ। अबे भाई ये क्या कर रहा है भाई, मेरे घर पे पहुंचा देना 5-5 किलो। अरे ठीक है। अबे भाई भाग गया भाई, तेरे को मैं मार डालूंगा भाई, मैं तो अंदर आराम से बात कर रहा था। वैसे भाई इसने बोला है कि भाई वो पहुंचा देगा, ठीक है यार मैं इसको बोल दूंगा मैसेज करके। वैसे मेरे पास इसका नंबर होगा सिंचन। अरे क्या नाम है इसका? अबे इसका नाम छगन है यार, ये हम मेरे को फल देते रहता है, बट यार ये दारू वारू पीता है इसलिए मेरे को बुरा लगता है ये, इसलिए भाई अभी इसने पी रखा था इसलिए मेरे पे लड़ाई करने आ रहा था। चल ये फल पहुंचा देगा, मैं इसको वैसे मैसेज कर दूंगा। अरे ठीक है तो सही बात है ना। अबे हाँ यार चल अब गणपति बप्पा को लाते हैं ना अपने घर पे। अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, चलो चलो फटाफट से। अबे हाँ यार चलो गाइस यार अब चलते हैं मूर्तिकार के पास, जहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ वगैरह मिलती है ना सिंचन।
अरे हाँ हाँ चलो चलो मजा आएगा। अबे हाँ यार काफी बढ़िया वाला सीन हो जाएगा। तो चलो गाइस सर हम लोग फटाफट से वहाँ पे पहुँचते हैं। चल सिंचन यार भाई मगन के दुकान पे से मेरे को ले रहा है। अरे यार सारे आपके दोस्त मगन छगन ही होते हैं। अबे हाँ यार वो फल वाला छगन था, अब मगन की दुकान से वो लेना है। ओ भाई ये क्या सिंचन? अरे यार क्या हो गया? अबे देख रहा है कितना ज्यादा भीड़ है। अरे यार अब तो और ज्यादा लेट हो जाएगा। अबे नहीं यार लेट वेट नहीं होगा, ये मेरे दोस्त का शॉप है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। भाई देख रो कितने ज्यादा लोग आए हैं भाई गणपति बप्पा को अपने अपने घर पे ले जाने के लिए। गाइस यार जो जो अपने गणपति बप्पा को घर ले जा रहा है आप लोग कमेंट में भाई साहब बोलना बताना मेरे को, मैं भी जान जाऊंगा कि आप लोग भी गणपति बप्पा को घर ले जाते हो। तो फिलहाल चल डायरेक्ट मैं छगन से बात करूंगा। भाई छगन नहीं है मगन है। हेलो मगन यार मेरी मूर्ति रेडी है, मेरे गणपति बप्पा रेडी है? अरे हाँ यार कब का रेडी है, तू भाई ले जा यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, फटाफट से ले जा वरना लोग भाई हल्ला करने लगेंगे। अबे ठीक है यार मैं ले जा रहा हूँ, भाई ये तो बोल रहा है जल्दी से जल्दी ले जा वरना हल्ला करने लगेंगे। गाइस यार सारे लोग भाई गणपति बप्पा को लेने ही आए हैं। एंड भाई चलो एक काम करते हैं, भाई ये वाली कार के पीछे ले अपने गणपति बप्पा को बैठाते हैं सिंचन। अरे हाँ यार मजा आएगा चलो चलो। अबे रुक जा भाई ये बंदा सेल्फी क्यों ले रहा है इतने, अच्छा गणपति बप्पा के साथ सेल्फी ले रहा है भाई। चलो गाइस यार ये कड्डी लगाते हैं इधर और अब बारी है भाई गणपति बप्पा को ले जाने के लिए। भाई सारे के सारे तो सेम ही है ना सिंचन? अरे हाँ यार सारे के सारे कितने प्यारे हैं। अबे हाँ यार चलो भाई इनको उठा के लेके चलते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे हम लोगों ने गणपति बप्पा को भाई इस वाले पोर्से कार पे बैठा दिया है। अरे यार कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बप्पा। अबे हाँ यार चल फटाफट से चलते हैं, पूजा भी करनी है ना। अरे हाँ यार चलो चलो जल्दी चलो। अबे हाँ यार चलो गाइस यार ये देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं गणपति बप्पा। और भाई आज काफी ज्यादा भीड़ है और भाई काफी ज्यादा खतरनाक वाला सीन हो जाएगा। चलो गाइस यार फटाफट से इनको हम लोग अपने घर लेके चलते हैं ना सिंचन। अरे हाँ हाँ चलो चलो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। अबे हाँ यार काफी ज्यादा बढ़िया मेरे को भी लग रहा है। तो चलो गाइस यार फटाफट से हम लोग घर पे पहुंचते हैं एंड गणपति बप्पा को जहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा पंडाल बनाया है उसके अंदर इनको विराजमान करते हैं एंड भाई पूजा पाठ करते हैं, है ना। अरे हाँ यार जल्दी चलो आराम से चलो। अबे हाँ यार चलते हैं फटाफट से घर पे। वैसे सिंचन तूने अपने दोस्त के बोला है ना? अरे हाँ यार मैंने तो सारे दोस्तों को बोल दिया है आज हमारे घर पे गणपति बप्पा की पूजा होने वाली है, सारे लोग आ जाना। अबे हाँ यार चल सही किया है। चलो गाइस यार इसको थोड़ा बैक करके ले जाते हैं जिससे कि डायरेक्ट गाइस यार बप्पा को अंदर ले जाएंगे और फटाक से वहाँ पे भाई आराम से इनको बैठा देंगे। तो चलो गाइस यार कार थोड़ी भाई एक और निकाल देना चाहिए था, वैसे देख रहा है थोड़ी दिक्कत कर रही है। अरे नहीं यार आपको चलाने नहीं आती? अबे यार थोड़ी दिक्कत तो कर रही है सिंचन। अरे यार क्या हो गया? अबे यार एक बैलून को फोड़ना पड़ेगा। अरे फोड़ो मत थोड़ा साइड कर लो। अबे हाँ यार रुक जा साइड कर लेता हूँ। चलो भाई दोनों साइड हो गए हैं, अब गणपति बप्पा डायरेक्ट भाई नहीं नहीं यार थोड़ा ऊपर से टच हो रहा है ना। अरे हाँ हाँ उतर के करो। अबे हाँ यार चल भाई उतर के करते हैं। तो चलो गाइस यार अब बप्पा को फटाफट से भाई साहब रखते हैं, इन वाले भाई साहब यहाँ पे विराजमान करते हैं एंड भाई चलो फटाफट से इनको उठा के इधर रखते हैं। चलो गाइस यार यहाँ पे देखो पप्पा विराजमान हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना सिंचन। अरे हाँ यार बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं फ्रैंकली भैया। अबे हाँ यार तो चलो भाई अभी इस वाले कार को बाहर कर देता हूँ। यार सिंचन अभी तक वो फल वाला भाई आया नहीं, मैंने उसको तो मैसेज भी कर दिया था। अरे यार मेरे को क्या पता फिर से जाना पड़ेगा क्या? अबे नहीं यार अब टाइम भी नहीं है यार, किसी से मंगा भी लेंगे भाई, पता नहीं यार वो आया क्यों नहीं यार। अरे यार चेक करो कहीं पे तो रख के नहीं चला गया। अबे हाँ यार तू ओ भाई अबे यार ये छोटा एक्सीडेंट हो जा रहा है यार, ये वाला रोड भाई यहाँ से जाके मेरे को समझ आ रहा है ना ओवर ब्रिज बनाई देना चाहिए। अरे यार फ्लाई ओवर। अबे वही यार जो भी बोलो भाई साहब अभी तक वो फल वाला आया नहीं, वैसे मेरे को पूजा स्टार्ट करनी थी। अबे ये क्या है सिंचन? अरे क्या है यार? अबे यहाँ पे तो फल रख के चला गया, ये देखो पेटी में शायद फल ही, हाँ ये फल की पेटी है, मतलब ये सारे फल लेके आ गया। चल यार अब पूजा स्टार्ट करते हैं ना, सारे लोग भी आ जाएंगे ठीक है। अरे हाँ यार जल्दी करो जल्दी करो। अबे हाँ यार रुक जा भाई फटाफट से मैं पूजा को स्टार्ट करता हूँ। गाइस यार तब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पे तगड़ी तगड़ी वाली वीडियोस देखने को मिलते रहती है। अरे यार सारे लोग इतने सारे लोग आए हैं, आप लोग देखो मेरे दोस्त भी है और सबसे ज्यादा फ्रैंकलिन भैया के दोस्त है, और देखो फ्रैंकी भैया ने पूजा लगभग खत्म ही कर दी है। ये देखो कब से पूजा पाठ कर रहे हैं, फल वगैरह भी चढ़ा दी गणपति बप्पा को, और कितना प्यारा लग रहा है ना भाई, देखो मौसम भी काफी साफ है। अरे ये चौप क्या कर रहा है? अरे चौप तेरे को क्या हो गया? अरे यार मेरे को जाने दो, मेरे को बाहर जाने दो। अरे तू बाहर क्यों जा रहा है? अरे यार मेरे को जाने दो,
अरे पता नहीं यार इसको क्या हो गया है, ये बाहर क्यों जा रहा है। अरे चुप रुक जा, पूजा पाठ होने जाने दे, उसके बाद बाहर जाना प्रसाद खा के। अरे यार पता नहीं ये क्यों चला गया। चलो कोई बात नहीं, फ्रैंकी भैया तो अभी सब लोगों को प्रसाद वगैरह देंगे और पूजा भी ख़त्म कर देंगे। ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, हमारे घर में कितना बढ़िया से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। चलो चलो मज़ा आ गया। अरे सर मैंने पूजा ख़त्म कर दी है। ओ भाई इतने सारे लोग आ गए, क्या बात है भाई। मैंने चप्पल वगैरह खोल के भाई पूजा में बैठा था, देख सकते हो आप लोग। और भाई सिंचन इतने सारे लोग। अरे हाँ यार सारे लोगों को प्रसाद दे दिया आपने। अबे हाँ यार तूने भी दे दिया होगा ना। अरे नहीं यार मैंने तो दिया ही नहीं। अबे चल मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस सर ये देख सकते हो भाई गणपति बप्पा को हम लोगों ने भोग वगैरह भी लगा दिए एंड पूरा बढ़िया तरीके से इतने सारे लोग भी हमारे घर पे आए हैं। अबे चौप आया नहीं क्या? अरे यार वो आया था, पता नहीं क्यों भाग गया। अबे वो भाग गया भाई, घर पे पूजा हो रही है और वो भाग गया। गाइस यार पता नहीं क्या करते रहता। वैसे भाई एक सेल्फी लेनी बनती है, इतने सारे लोग आए हैं ना भाई, एक सेल्फी तो बनती है सिंचन। अरे हाँ हाँ ले लो बहुत ही प्यारा आता है ना। अबे रुक जा भाई एक सेल्फी ले लेता हूँ, काफ़ी सारे लोग आए। ओ भाई कितने बढ़िया लग रहा है ना। ओके एक सेल्फी मैंने ले लिया है, काफ़ी प्यारा फोटो आया सिंचन। अरे मेरे को भी सेंड कर देना, मैं आया हूँ ना। अबे तू इतना छोटा है ना कि भाई तू आता ही नहीं है। दूसरा भी ले लिया मैंने, देख भाई कितना प्यारा प्यारा फोटो आ रहा है। तो चलो गाइस यार मैंने ये भी सेव कर लिया है फिलहाल, और भाई बहुत सारे फोटो मैंने क्लिक कर लिए। हट जा सिंचन वो गड्डी तो जाने दे। अरे ठीक है ठीक है। अबे ठीक है देख रहा है भाई, आराम से उधर से गड्डी भी जा रही है और इधर से हम लोगों ने ये चीज़ लगा दी। गाइस यार आप कमेंट में बताना कि ये वाली चीज़ हम लोगों को हमेशा की तरह रखनी चाहिए या हटा भी देनी चाहिए। चलो गाइस यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हम लोगों ने भाई गणेश उत्सव मना लिया है, काफ़ी बढ़िया लगा हम लोगों को यहाँ पे मना के। आपको गाइस यार कैसा लगा? ऐसे ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट कर सकते हो ऐसे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अभी हम लोग विसर्जन की भी वीडियो लाए या ना लाए आप लोग बताना। एंड भाई बहुत सारे अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलो गाइस यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में।